वेलकम एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सर हिमांशु और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कॉलेज रिव्यू की एक नई वीडियो में। तो आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो देहरादून का एक अच्छा और जाना माना कॉलेज है, यूपीएस देहरादून। यूपीएस देहरादून में आप कैसे एडमिशन बीटेक में करा सकते हैं, बीटेक के लिए कौन कौन सी स्ट्रीम इसमें अवेलेबल है, कौन कौन सी स्ट्रीम में ज्यादा इस कॉलेज में फायदा है, तो सभी बातों के बारे में जानेंगे। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट सेल कैसे काम करता है, फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और गेट एडमिशन के जरिए सब्सक्राइब कर लें। तो जाने से पहले इस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे करा सकते हैं वो मैं जरूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना और सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कॉलेज 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और 44 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। कैंपस इसका बहुत ही बड़ा है, ग्रैंड है। मैं कुछ वीडियोस के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इतना खूबसूरत यहाँ का कैंपस है कि आप लोगों को देख के भी बड़ी खुशी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, सारी अच्छे लोग मिलेंगे इंटरेक्ट के लिए, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है आपकी बीटेक अच्छी बनाने के लिए। तो अगर आप देहरादून की तरफ है और या फिर देहरादून में एडमिशन का सोच रहे हैं तो यूपीईएस देहरादून आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। मैं इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में बात करूं तो एनआईआरएफ के थ्रू 91st इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको रैंक मिली है। तो इस कॉलेज की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो 19 किलोमीटर जो देहरादून का रेलवे स्टेशन है वहां से, 47 किलोमीटर फ्रॉम जोली ग्रैंड एयरपोर्ट जो देहरादून में। मोड ऑफ एडमिशन, आप कैसे इस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, तो यूपीसीएट के एग्जाम के थ्रू, आप बोर्ड्स के थ्रू भी एडमिशन करा सकते हैं और सबसे जरूरी बीटेक में आप यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इस कॉलेज में आपकी रैंक नहीं मिलती कंप्यूटर साइंस या फिर आप जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो नहीं मिलते तो वो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मिल जाएगी। डायरेक्ट एडमिशन आपका गेट एडमिशन के थ्रू हो जाएगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में थोड़ी आगे देता हूँ। उससे पहले फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 14 से लेके 16 लाख तक आपका पूरा पैकेज हो सकता है, यानी आपकी जो 4 साल की पढ़ाई है वो इतने 16 लाख 15 लाख में पूरी हो सकती है, वो कोर्स वाइज और जो आपकी स्ट्रीम है उस पे डिपेंड करता है। 1570 टोटल सीट है यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट हर साल यहाँ पे आ सकते हैं और आप इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई और मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपको स्ट्रीम पसंद है वो आप यहां से कर सकते हैं। बेहद ही अच्छा कॉलेज है और अगर आप लोगों का यहां पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आप जेई मेन के एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आप गेट एडमिशन के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करता है आपका मनपसंद कॉलेज आपको चूज कराने में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गेट एडमिशन के दिए गए नंबर पर कॉल करना है और अपने डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड बात करनी है कि इस कॉलेज में मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है नहीं। और भी वो बहुत सारे कॉलेजेस आपको सजेस्ट करेंगे, जो आपको पसंद आता है आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं बेफिक्र। अगर आपकी रैंक कम है, आपकी मार्क्स कम है तो उसकी भी आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करेगा आपका एडमिशन कराने में। तो बेफिक्र होकर कॉल करें और अपना एडमिशन बुक करा लें। अगर मैं इस कॉलेज की कुछ हॉस्टल फी के बारे में बात करूं तो 1,70,000 पर ईयर की इसकी हॉस्टल फीस आपको देखने को मिलेगी, बट इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ स्कॉलरशिप के बारे में। गर्ल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, उत्तराखंड बोर्ड टॉपर्स स्कॉलरशिप, उत्तराखंड बोनेफाइड स्कॉलरशिप, तो ये सारी स्कॉलरशिप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप इन सभी कैटेगरी में आते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉलेज को चुनने से पहले, और देहरादून जैसी खूबसूरत जगह में अगर हमें एक अच्छा कॉलेज अच्छी प्लेसमेंट के साथ मिल रहा है तो इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। 94% यहाँ का प्लेसमेंट परसेंट है और 45 लाख पर ईयर यहाँ का हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है। 500 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं और टॉप मोस्ट कंपनी की अगर मैं बताऊं तो रिलायंस, डेल, अडानी, एमेजोन, आईटीसी, जिंदल, तो ये सारी टॉप मोस्ट कंपनियां जो यहाँ पे विजिट हर साल करती रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ फैसिलिटीज और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर मैं मेस वगैरह, फूड की बात करूं, हॉस्टल लाइफ की बात करूं तो हॉस्टल यहाँ के काफी साफ सुथरे, अच्छे कमरे, अच्छे नीट एंड क्लीन कॉरिडोर्स, बाथरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके साथ आपको मेस का खाना अच्छा मिलेगा। तो फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो आपको बीटेक के लिए जो लैब्स होती हैं, लैब्स, लाइब्रेरी और कल्चरल फेस्ट यहाँ पे काफी होते हैं, अच्छे खासे स्केल पे होते हैं। आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिलेगी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वो सारी चीजें जो आपका इंटरेस्ट है, एंड जिम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो
ये सारी थी इन्फॉर्मेशन यूपीएस देहरादून से रिलेटेड। और डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको चाहिए तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपका एडमिशन जरूर करा देंगे। तो बेफिक्र होकर गेट एडमिशन का जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया उस पर कॉल करें और अपना एडमिशन बुक करा लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी बीटेक की वीडियो में, तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।